घटिया निर्माण की खबर दिखाए जाने से नाराज पूर्व निलंबित सरपंच पति ने सरेराह पत्रकारों के साथ मारपीट की, जिसमें पत्रकारों को गंभीर चोटें आईं। इतना ही नहीं, सरपंच पति के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसने पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए, पत्रकारों को घर में बंधक बना के रखा और जान से मारने की भी धमकी दी। यह घटना रहली की है। रहली में तीन पत्रकारों को पंचायत में घटिया व अवैध निर्माण की खबरों का कवरेज करना महंगा पड़ गया। पूर्व निलंबित सरपंच पति ने खबर दिखाए जाने से नाराज होकर पत्रकारों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि रहली में कई सालों से एक ही परिवार का सरपंच बनने के कारण सागौनी बुंदेली ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। रामगढ़ा के ग्रामीणों ने पत्रकारों को सूचना दी थी कि यहां पर बन रही सीसी रोड घटिया है, सड़क निर्माण में काली रेत का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद पत्रकार पंकज शर्मा, प्रवीण सोनी और रोहित अहिरवार कवरेज करने पहुंचे। प्रवीण और रोहित फोटो और वीडियोग्राफी करके लौट रहे थे कि सरपंच पति राजकुमार आ गया और रास्ता रोककर पत्रकारों की बाइक की चाबी छीन ली और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। रोहित को जातिगत गालियां देते हुए अपमान किया गया। तभी राजकुमार के कुछ और साथी लाठियां लेकर आ गए और पंकज और प्रवीण को मारने लगे। बाद में राजकुमार, पंकज और प्रवीण को घर ले जाया गया तथा रस्सी से बांध कर गालियां दी गई। राजकुमार ने पत्नी से झूठी रिपोर्ट कराने की भी बात कही। सागौनी बुंदेला खबर बनाने के लिए गए थे, तो खबर बना के हम लोग लौट रहे थे तो सरपंच पति राजकुमार पटेल ने हम लोगों की गाड़ी की चाबी निकाल दी और हम लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा कि तुम लोग कैसे कब पत्रकार खबर बनाने आए, तो जान से मार डालूंगा, ऐसी ऐसी गाली दे। तो हम लोग गाड़ी छोड़कर भागने लगे। गाड़ी छोड़कर हम जैसे ही भागे तो हम लोगों को उनके साथ में हम लोगों के लिए पकड़ लिया और हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद हम लोग बंधक बना के अपने घर ले गए। घर ले जाकर हम लोगों पर जबरन गाली गलौज करने लगे, दबाव डालने लगे। दबाव डालते हम लोगों के हाथ पैर बांध दिए, हाथों को बांध दिया उन लोगों ने और उसके बाद लगातार गाली गलौज। इतने में हम लोगों के मौके पर मिला तो हम लोगों ने पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस लगातार दबाव बनाते रहे कि तो और कहते रहे कि मारपीट के बाद अगर तुमने हम लोगों के बारे में किसी को बताया कि हम लोगों के साथ तुमने कुछ किया है तो हम तुम्हारों के खिलाफ, सभी लोगों तीनों के खिलाफ में हम मामला दर्ज करा देंगे। अभद्रता का मामला जैसे सरपंच जी के साथ अभद्रता की है, तुम लोगों का मामला दर्ज करा देंगे। आज 13 जून को थाना रहली के पत्रकार पंकज शर्मा, प्रवीण सोनी और रोहित अहिरवार ये लोग ग्राम सगौनी बुंदेला अपने सूचना के आधार पर खबर बनाने गए हुए थे। खबर बनाते समय ग्राम के सरपंच पति राजकुमार पटेल, जिनके द्वारा अब निर्माण कार्य कराए जा रहे थे, उनसे चर्चा की गई। इसी बात को लेकर राजकुमार पटेल और उनके साथियों मदन पटेल, बाबू पटेल, कृष्ण पटेल, भगवान दास पटेल एवं अन्य 3-4 लोगों के द्वारा पंकज शर्मा, प्रवीण सोनी और रोहित अहिरवार के साथ मारपीट की गई है। पत्रकार पंकज शर्मा द्वारा रिपोर्ट करने पर, अपने दोनों साथियों के साथ थाने आने पर रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।